हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वजीर आजम को फारिग कर दिया, चलो घर जाओ, करोड़ों वोटरों की कोई परवाह नहीं है। पांच बंदे, कितने बंदे फिर बताओ, कितने बंदे? करोड़ों आवाम के वोटरों को पांव तले रोन दिया। मुंतखब वजीर आजम से कहा गया, चलो निकलो घर जाओ, दम है तो आवाम के दिलों से निकालो। नवाज शरीफ का गुजरात में धुआंधार खिताब, कहा मुल्क को लगी बीमारी खत्म करने का वक्त आन पहुंचा है। गुजरात में नून लीग का पार्शो, लीगी झुके न बिके, सेनेट इलेक्शन में तारीख रकम कर दी। मरियम नवाज का खिताब, कहा मुखालिफीन को आम इंतखाबात में भी शिकस्त नजर आ रही है। जमात इस्लामी ने सेनेट इलेक्शन को पैसों का सिलेक्शन करार दे दिया। सिराजुल हक कहते हैं एमक्यूएम ने शहर का मैंडेट फरोख्त किया, आमिरों और डिक्टेटर्स ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। पंजाब असेंबली के हलका पीपीटी सरगोधा में जिम्नी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी, पीटीआई और लीगी उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला। नवाबशाह में हिफाजती टीका मौत बन गया। इंसदादे खसरा मुहिम में 3 बच्चे जां बहक, मुतअद्दिद की हालत नाजुक, 3 कराची मुंतकिल, 1 लेडी हेल्थ वर्कर गिरफ्तार, दूसरे के लिए छापे। आज न्यूज की खबर पर एक्शन, जिला नवाबशाह में हिफाजती टीकों की मुहिम मुअत्तल, आसिफ जरदारी का नोटिस, तहकीकात का हुक्म, अपोजिशन ने सूरत हाल का जिम्मेदार सिंध सरकार को करार दे दिया। नुसरत सहर अब्बासी कहती है हुकूमत आवाम को छोड़कर सेनेट इलेक्शन में लगी हुई है। कराची बलोच कॉलोनी के करीब डंपर की टक्कर, बच्ची जां बहक, मुर्सा का लाश रखकर एहतजाज, डिफेंस व्यू से महमूदाबाद जाने वाली सड़क ब्लॉक। खबर पख्तूनख्वा में एनटीएस के पर्चे फरोख आमदी, मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे सियासी मैदान से जुड़ी बड़ी खबर से। सेनेट इलेक्शन के बाद सेनेट में सेटअप के लिए राबतों का आगाज हो चुका है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में राबता हुआ है और जराए कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को मिलकर साथ चलने की ऑफर की है। आसिफ जरदारी कहते हैं पहला अपना उम्मीदवार लाएंगे फिर बात करेंगे, अहम रबते हुए हैं आज आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान। आसिफ अली जरदारी ने यह कहा है कि पहले अपना उम्मीदवार लाएं फिर बात करेंगे। क्यों नवाज शरीफ को निकाला गया? अगर ये बात है कि आपको नहीं पता तो आप निकले क्यों? आप रह बैठ जाते। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए नवाज शरीफ ने एक बार साफ साफ कह दिया, पहले लाएंगे उम्मीदवार अपना फिर करेंगे तुमसे बात। मितना सही कहा गया है कि सियासत में सब कुछ जायज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कोशिश करेंगे कि बाकी जमातों से मिलकर चेयरमैन सेनेट बना लें। अपोजिशन जमातों से राबता कर रहे हैं, मुस्लिम लीग से नून से कोई राबता नहीं हुआ। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा कि सेनेट इलेक्शन के बाद एमक्यूएम खत्म हो गई है। हम कोशिश करेंगे कि हम बाकी अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट बना दें। उस पर हम अपोजिशन पार्टी से राबता कर रहे हैं और अभी तक कोई राबता नहीं है नून लीग के साथ। सरगोधा के हलका PP30 में ज़मीनी इंतखाब के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। मजीद जान लेते हैं, आज यूज़ के नुमाइंदे ज़हूर शाहिद हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। तो ज़हूर बताइएगा, गिनती का अमल जारी है, अभी तक क्या रिजल्ट सामने आया है?
जी, पोलिंग मुकम्मल होने के बाद गिनती का अमल जो है वो शुरू है। कुछ हलकों के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। फुलरवान वार्ड 1, 2, 3 का रिजल्ट जो है वो आया है और इसमें मुस्लिम लीग नून के चौधरी यासिर जफर सिंधु ये 275 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीटीआई के राव साजिद इकबाल वो 207 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अभी जो हल्के हैं, दही इलाका है, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों से वोटों की गिनती मुकम्मल होते ही इब्तदाई नतायज आना शुरू हो गए हैं और ये सिलसिला जो है ये रात गए तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया जहूर शाहिद आपका। सेनेट इलेक्शन के बाद बलूचिस्तान के 9 मुंतखब सेनेटर सबको प्यारे लग रहे हैं और उनकी हिमायत के उसूल के लिए कोशिशें भी जारी हैं। इसी वाले से दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। सेनेट इंतखाबात के दंगल के बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का मुआरका शुरू हुआ तो सबकी नजरें बलूचिस्तान के 9 मुंतखब सेनेटर्स पर जम गईं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ उन पर वारी होने लगी। अला बलूचिस्तान से मुलाकात की जिसके बाद पीपल्स पार्टी के हलकों से दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान से 9 मुंतखब 8 आजाद सेनेटर से हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। दूसरी जाने पीटीआई भी इन सेनेटर्स की हिमायत के लिए हाथ पांव मार रही है। जहांगीर तरीन ने अनवारुल हक काकर से टेलीफोनिक राब्ता किया और उनके कसीदे पढ़े। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि पार्टी का वफ्द जल्द इन सेनेटरों से मुलाकात करेगा। सियासी मौसम को देखकर वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने भी खामोशी तोड़ दी। कहते हैं सेनेटर्स मुंतखब कराने का इल्जाम लगाने वाले सोच तब्दील करें, समाजी राब्तों को सियासी राबता ना समझा जाए। हमारे दरवाजे तमाम जमातों से मुशावरत के लिए खुले हैं। सियासी मौसम को देखकर वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने खामोशी तोड़ दी है और कहते हैं कि सेनेटर्स मुंतखब कराने का इल्जाम लगाने वाले सोच तब्दील करें। सेनेट इंतखाबात में सियासी जोड़ तोड़ के साथ क्रेडिट गेम भी शुरू हो गया। क्वेटा में मीडिया टॉक के दौरान वजीर आला बलूचिस्तान ने तो इंतखाबात के इनेकात का ही क्रेडिट ले लिया। हमारी गवर्नमेंट को क्रेडिट दें कि शायद हमारी गवर्नमेंट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह का इलेक्शन मुमकिन हुआ। जमहूरी गवर्नमेंट और जो प्रोसेस है इलेक्शन का वो कम्प्लीट हो गया। क्वेटा में मीडिया टॉक के दौरान उन्होंने जोड़ तोड़ करने वालों का नाम तो नहीं लिया लेकिन अपने दरवाजे सबके लिए खुले रहने का पैगाम दे दिया। हमारी जो ऑफिस है या हमारी दर है सबके लिए, सब पार्टियों के लिए खुली है। हम जमहूरी लोग हैं, हम बात करेंगे। हम किसी पार्टी को के लिए दरवाजे बंद नहीं, हम सब पार्टियों के साथ बात करने को तैयार है। अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने इल्जाम लगाने वालों को सोच तब्दील करने का मशवरा दिया। कुद्दूस बजंजो आएगा और गवर्नमेंट तोड़ देगा और सेनेट इलेक्शन रुकेगी। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे आज ट्रेडिंग होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम लोग यहाँ पे पैसे खर्च करते, अपनी टीम तो अपने साथ है लेकिन फिर दूसरे की भी हम एहतराम नहीं करते। फिर नेशनल पार्टी के 8 बंदों में 2 सेनेटर नहीं ला सकते। वजीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि आजाद उम्मीदवारों का किसी जमात से ताल्लुक नहीं, बलूचिस्तान के हुकूक के लिए जद्दोजहद करेंगे। सेनेट में पार्टी पोजीशन तब्दील हो गई है जिसके बाद अब दरपेश है चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का चैलेंज। ऐसे में चेयरमैन किस पार्टी का हो सकता है और मौजूदा पार्टियों की क्या पोजीशन है, यह आप जान पाएंगे इस रिपोर्ट में। सेनेट मार्के के बाद अब है चेयरमैन के इंतखाब का मामला। नून लीग और पीपल्स पार्टी में होगा कांटे का मुकाबला। मुस्लिम लीग नवाज की अब तक कुल 33 सीटें हो गई हैं। पीपल्स पार्टी 20 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। इख्तदार की इस जंग में पीटीआई की 12 सीटें भी बड़ी अहम हैं। बलूचिस्तान और फाटा के उम्मीदवार भी बाजी पलट सकते हैं। सेनेट में सरकार बनाने के लिए 15 आजाद उम्मीदवार जिस तरफ गए वो पलड़ा भारी हो जाएगा क्योंकि गुज़िश्ता रोज पंजाब में सेनेट की 12 में से 11 नशिस्तें नून लीग के हिमायती उम्मीदवारों ने जीती।
सिंध में पीपल्स पार्टी का राज रहा, जहां 12 में से 10 नशिस्तों पर ज्याले जीत गए। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई 11 में से 5 नशिस्तें जीत कर सरे फहरिस्त रही। सेनेट की 15 नशिस्तें आजाद उम्मीदवार ले उड़े। बलूचिस्तान की 6 सीटें आजाद उम्मीदवारों ने जीती। फाटा से फाटा इत्तेहाद के 4 उम्मीदवार जीत गए। 52 नशिस्तों पर इंतखाब के बाद पोजीशन टेबल पर तो मुस्लिम लीग नून नंबर 1 पर है, लेकिन अब देखना यह है कि चेयरमैन सेनेट किसका होगा, क्योंकि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सेनेट इंतखाबात के बाद अब मामला है निगरा हुकूमत के क्याम का। निगरा वजीर आजम के मुत्तफिका नाम के लिए अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने तहरीके इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से राबता किया है। दोनों रहनुमाओं ने निगरा वजीर आजम और बुजरा आला के मुत्तफिका नाम लाने पर इत्तेफाक कर लिया है। शाह महमूद कुरैशी का ये कहना है कि इमरान खान और पार्टी से मुशावरत के बाद हतमी राय देंगे। अब आपको बताते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने गुजरात में भी जलसे से खिताब में पुरजोर तरीके से गिले शिकवे किए, कहा मुल्क को लगी बीमारी खत्म करने का वक्त आ चुका है, आइंदा हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की ही होगी। मुस्लिम लीग नून का कोटला में जलसा, सियासी ताकत का भरपूर मुजाहरा। कारकुनों से खिताब में नवाज शरीफ पुरजोश नजर आए, कहा मुझे वजारत उज़्मा और पार्टी सदारत से हटा दिया गया, लेकिन अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को हमने बतौर वज़ीर-ए-आज़म निकाल दिया, अब मुस्लिम लीग की सदारत से भी बाहर निकलो, वो भी निकाल दिया। अब वहां तो कागजों में तो निकाल दिया और फैसले में तो निकाल दिया, तब मानू मैं कि इन सामने कोटला वाले के दिलों से मुझे निकालो। नवाज शरीफ ने दावा किया कि आइंदा हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की ही आएगी। 2018 में अवाम ने वोट नहीं डालना बल्कि इनकलाब लाना है। इंशाल्लाह अगली हुकूमत आएगी अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग नून की आएगी हुकूमत। 2018 में इलेक्शन आ रहा है, आपने इलेक्शनों में क्या करना है? सिर्फ वोट नहीं डालना, सिर्फ वोट नहीं, आपने एक इनकलाब लाना है। इनकलाब बोलो, लाओगे इनकलाब? जैसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के अरकान ना बिके ना झुके, पाकिस्तान की सियासी तारीख बदल दी। मरियम नवाज का कहना था कि मुखालफीन को आइंदा इंतखाबात में शिकस्त नजर आ रही है। बात करेंगे कप्तान की। इमरान खान का कहना है कि हर इदारे में माफिया है, मुझे क्यों निकाला? माफिया मुल्क से पैसे बाहर लेकर जा रहा है। शहबाज शरीफ ने 40 अरब सिर्फ तशहीरी मुहिम पर खर्च किए, सिंध में भी सबसे बड़ा मसला करप्शन ही है। कप्तान की कराची में सियासी इनिंग, शरीफ बरादरान पर खुलकर तनकीद की। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि हर इदारे में माफिया बैठी है, मुझे क्यों निकाला? माफिया मुल्क से पैसे बाहर ले जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है पाकिस्तान में, 1 ट्रिलियन रुपए के, 10 बिलियन डॉलर सालाना मनी लॉन्ड्रिंग है, क्योंकि ऊपर सारा क्यों निकाला? माफिया बैठा हुआ है जो पैसे बाहर लेके जा रहे हैं। कराची के हाल पर भी इमरान खान बोले, कहा कि कराची में ओनरशिप की कमी है, लोकल गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। कराची का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कराची की ओनरशिप ही कोई नहीं है, और क्योंकि यहाँ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, तो जो काम लोकल गवर्नमेंट ने करने होते हैं वो यहाँ होते ही नहीं। ना गंदगी सारी कराची के अंदर, पानी साफ, पीने का पानी नहीं मिलता कराची में। तो इमरान खान ने अंदरून सिंध करप्शन को भी बड़ा मसला करार दे दिया।
अभी आपको खबर दें, खैबर पख्तूनख्वा में NTS के पर्चे फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। महकमे तालीम ने शिकायत पर नतीजे मंसूख करके दोबारा टेस्ट कराने का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में NTS के पर्चे फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। 18,000 असामियों के लिए लिए जाने वाला पर्चा आउट हो गया है। शिकायत पर महकमे तालीम ने नतीजे मंसूख कर दिए हैं और आज होने वाला पर्चा भी मंसूख कर दिया गया है। दोनों पर्चों की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं MQM के लोग बिकाऊ माल हैं। सेनेट इंतखाबात में खुलेआम खरीदो फरोख्त हुई। मुस्तफा कमाल ने फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी को PSP में शमूलियत की दावत भी दे दी। MQM के लोग जो है वो बिक गए। तुम्हारा मैंडेट पिछले 30 सालों से बिकता चला आ रहा है। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल ने फंक्शनल लीग की सीट का क्रेडिट ले लिया। बोले, हमारे वोटों से सेनेटर मुंतखब हुए। तो कल हमारे लोगों ने फंक्शनल लीग को पगारा साहब की रिक्वेस्ट पे हमने उनको वोट दिया और हमारी वोटों से मुजफ्फर अली शाह साहब जो है वो कामयाब हुए और उनका शुक्रिया कि वो कामयाब होने के बाद सबसे पहले हमारे पास पाकिस्तान हाउस यहाँ तशरीफ लाए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने MQM को बिकाऊ माल करार दिया। MQM के लोग जो है वो बिक गए, जो कि MQM के रहनुमा भी कह रहे हैं। तुम्हारा मैंडेट पिछले 30 सालों से बिकता चला आ रहा है। 30 सालों में मुआजरों तुमने 25,000 नौजवानों की लाशें दे दी। मुस्तफा कमाल ने फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी को PSP ज्वाइन करने की ऑफर दी।